हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने मोबाइल स्क्रीन पर एक ब्लाउज नज़र आ रहा होगा जिसमें फ्रंट में और बैक में दोनों में वर्क है। 16 इंच लंबाई का ये ब्लाउज है आप देख रहे हैं। ना ही हमने कहीं से कोई चौक खोली है और ना ही कहीं से ओपन है, केवल साइड जिप का ये ब्लाउज है। और कितना परफेक्ट फिटिंग आया है, ना ही शोल्डर से रिंकल से, ना ही आर्मोर से रिंकल से। अब इस तरह की फिटिंग, कटिंग और स्टिचिंग के लिए हर बार हम कुछ ना कुछ आप लोगों को बताते रहते हैं। शोल्डर जो हमारा है वो 14 इंच है और चलते हैं अब इसकी हम देखते हैं थोड़ी सी कटिंग। तो चलते हैं हम अपने काउंटर पर, एक एक चीज़ आप ध्यान से देखें, बाकी फुल वीडियो इसका बहुत जल्द आएगा। तो कटिंग को हम करते हैं स्टार्ट। ये हमारा फुल फैब्रिक है और ये हमारा फ्रंट, ये है बैक। कुछ इसी तरह से 16.5 इंच लंबाई है। अब इसकी करते हैं कटिंग। तो कटिंग का हमने पूरा मेज़रमेंट इसमें नहीं बताया है, केवल कटिंग करने का तरीका हमने इसमें अपलोड कर रखा है। बहुत जल्द इसका फुल वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं, क्योंकि नेट की प्रॉब्लम थी, नेटवर्क की, वरना इसको हम लाइव ही कटिंग करते। एक एक चीज़ हमने किस तरह से कटिंग करना है, कहाँ पर हमने डॉट डालनी है, सब इसमें बता रखा है। लेकिन इसका बहुत जल्द फुल वीडियो आएगा, फुल कटिंग और स्टिचिंग का, अगर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। क्योंकि लोग कहते हैं आप वीडियो अपलोड नहीं करते हैं, इसलिए हमने इसको वीडियो के रूप में छोटा सा वीडियो है 4-5 मिनट का, जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें आप लोगों को दिखाने और समझाने की कोशिश की है। अब इसको बहुत जल्द फुल वीडियो, कैसे हमने इसकी कटिंग की है, क्या इसका मेज़रमेंट है, इसकी एक एक चीज़ बारीकी से बहुत जल्द हम आपको बताएंगे। और यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसकी फिटिंग कैसी लगी, इसका हमने जो नेक ब्रॉड रखा है वो रखा हुआ है 7.5 इंच, क्योंकि शोल्डर गिरने भी ना पाए और हमारा कहीं से भी वर्क वाला भाग कटने ना पाए। वर्क के बिल्कुल बगैर से हमने स्टिचिंग की है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारा कितना ज़्यादा परफेक्ट बॉडी पर, जो कि हमने डमी में पहना रखा है ब्लाउज, ना कहीं से कोई रिंकल्स आ रहा है, ना कहीं से कोई फुलान ले रहा है, परफेक्ट आया हुआ है। अब बहुत जल्द इसका हम फुल वीडियो एक बार फिर से अपलोड कर देंगे। तो चलते हैं कटिंग कर लेते हैं मैन फैब्रिक को। मैन फैब्रिक में वर्क होने की वजह से जहाँ जहाँ पर वर्क फंस रहा है उसको हमने थोड़ा थोड़ा बाद में कटिंग किया हुआ है। तो हमने बैक काट लिया, फ्रंट काट लिया, स्लीव काट लिया, जो भी वर्क है उससे हम थोड़ा सा बढ़ाकर इसकी कटिंग करेंगे ताकि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो बहुत जल्द इसका हम फुल वीडियो डालने वाले हैं, अपलोड कर देंगे। अब हमने कटिंग पूरी कर ली है, स्टिचिंग का फुल वीडियो आपको दिखाएंगे, कटिंग का एक एक चीज़ शुरुआत से आप लोगों को बताएंगे। तो कटिंग हमारी हो चुकी है और डमी पर आपने पूरा फुल फाइनल लुक देख ही लिया है। तो अब इसको बहुत जल्द फुल वीडियो के साथ अपलोड करेंगे। जो भी हमारा जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसमें व्यूज़ आएगा उसी के हिसाब से जल्द हम इसका फुल वीडियो अपलोड कर देंगे। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, फिटिंग कैसी लगी, स्टिचिंग का भी थोड़ा सा वीडियो हमने डाल दिया है ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ हमने स्टिच किया हुआ है। बहुत जल्द इसका फुल वीडियो आने वाला है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और लोगों तक शेयर करें, और जिन लोगों ने इस वीडियो को पहली बार देखा है सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इस तरह के वीडियो हम अक्सर डालते रहते हैं। जैसे ही हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगी। फाइनल लुक आपके सामने है, ना कहीं से कोई रिंकल्स है, ना ही डॉट्स के पास कोई झोल है, ना ही आर्महोल के पास किसी तरह का प्रॉब्लम है। जो भी हमारी कटिंग का तरीका है आप लोग लाइव देखते हैं, उसमें कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट करते हैं, उसका हम तरीका बताते हैं। काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम थी कि जो ब्रॉड हम रखते हैं 5 इंच, 5.5, 6, तो उसमें शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आती है, लेकिन इसमें हमने 7 इंच ब्रॉड रखा हुआ है। देखिए कहीं से भी शोल्डर हमारा नहीं गिर रहा है। इसका शोल्डर 14 इंच है जिसको हमने 7 इंच ब्रॉड रखा हुआ है और 2.5 इंच जिसकी हमने कंधी रखी हुई है। तो देखें कितना परफेक्ट स्टिच होकर आपके सामने ब्लाउज नज़र आ रहा है। बहुत जल्द इसका फुल वीडियो लेकर आप लोगों के सामने इसी चैनल पर देखने को मिलेगा।
तो वीडियो को करते हैं समाप्त। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी कर दें उन लोगों तक जिन लोगों तक यह वीडियो नहीं पहुंच पाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।